देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। आखिर हो ही गया नाबालिग का मेडिकल। 28 जून को बिना किसी कारण के इस नाबालिग को उठाकर थाने में लाया गया और उसके साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सबसे पहले हमने उठाया, जिसके बाद उक्त नाबालिग मेडिकल करवाने के लिए दर दर भटकता रहा। आज शाम बमुश्किल उसका मेडिकल हुआ। आपको बता दें कि 28 जून को शाम 8 बजे के आसपास उक्त नाबालिग को राधा कॉलोनी से उठाकर लाया गया था, जबकि किसी भी नाबालिग को शाम के बाद थाने में नहीं लाया जा सकता। सूत्रों की माने तो कैंट थाना प्रभारी कुछ पुलिसकर्मियों पर दबाव बना रहे हैं कि उक्त नाबालिग के खिलाफ मामला पुरानी तारीख में दर्ज किया जाए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्यों नाबालिग को रात में थाने लाया गया, क्यों उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, किस जुर्म में उसे थाने में लाया गया, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों दूसरे थाने के थाना प्रभारी ने यहाँ आकर सिटी कोतवाल में उक्त नाबालिग की पिटाई इतनी बेरहमी से लगाई कि वो बेहोश हो गया। आपको यह भी बता दें कि उक्त नाबालिग पर इतना दबाव है कि वो किसी से बात भी करने में डर रहा है। हालांकि गुना SP अविनाश सिंह ने निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं उक्त नाबालिग का मेडिकल करने वाले डॉक्टर के मुताबिक नाबालिग को चोट काफ़ी लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या करता है पुलिस प्रशासन इस मामले में। क्या थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर कोई मामला दर्ज होगा या उक्त नाबालिग के खिलाफ ही मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। आप तो उसका मेडिकल किया, क्या नाम था? विशाल लाखड़ा भी आया उसका मैंने मेडिकल पूछा। कहाँ कहाँ चोट थी सर उसकी? पीठ में चोटें थी। CSP गुना के चार्ज में जो समीक्षता जोशी हैं उनको दिया है, जो भी सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर मेडिकल के बारे में क्या? मेडिकल करने का आदेश दे दिया है। JCI परिणीता ने आयोजित किया सिलाई प्रशिक्षण का शिविर। कुंदन निवास धर्मशाला पर आयोजित किए गए इस सिलाई प्रशिक्षण शिविर में सिलाई के गुण सिखाए गए। किस तरह से कपड़े को काटना और सिलना चाहिए इस बारे में समझाया गया। उक्त सिलाई प्रशिक्षण शिविर गरीब घर की बच्चियों के लिए आयोजित किया गया था। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह लगना आम हो गया है। कहां देखो पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। ऐसा ही एक मामला आज जामनेर से सामने आया, जिसमें ओदम सिंह ने आरोप लगाया कि उसका बेटा अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए पीपलखेड़ी ले गया था। वहां से लौटते समय 6-7 लोगों ने उन्हें रोककर उनकी मोटरसाइकिल और 5,000 रुपये नकद लूट लिए। इनका यह भी आरोप है कि पुलिस के पास जब वो शिकायत लिखवाने के लिए गए तो उनसे 2,000 रुपये ले लिए गए और आरोपियों से मिलकर वापस आ गए। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग कैसे किसी पुलिसकर्मी पर भरोसा करेंगे। आवेदन देने आया? किस संदर्भ में देने आया? गाड़ी चक्कर में, लूट मार के चक्कर में। कैसा क्या हुआ था? 7 बजे जो इलाज कराने के लिए गए थे, अपनी दुल्हन नहीं थी साहब, इधर से जब पीपल खड़ी से इलाज करा जा रहे थे, रुपये जामनेर से आ रहे थे, वहीं अलीगढ़ छोड़ा है, फिर रोक गाड़ी रोक रोक और दे भी टिक गया, इसमें 5,500 रुपये छुड़ा ले गए, गाड़ी छीन ले गए। कौन सी गाड़ी? डिस्कवर। कौन कौन लोग थे? बस 6-7 थे, एक ही जानते हैं साहब पप्पू के लिए, और के लिए तो हम जानते ही नहीं हैं, 10-12 थे। तो अभी आपने FIR कराई थी? FIR करी थी नहीं साहब। क्या बोलते हैं वो? जो बोलते हैं हमारे लिए 2,000 रुपये कल ले लिए, जिस बच्चे के लिए ले गए थे बिठा जिम में, और जब देख के चल बेटा गाड़ी में बैठ जा पकड़ के लाएंगे, बिस्के पास चाय पिया है और बिस्के लिए छोड़ जाए, पकड़ के नहीं लाए। कहाँ के हो आप? अपन शेरगढ़ के बाबूजी। अखिल भारतीय नौजवान सभा का आज 15वां सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य मुद्दा स्पाइस पार्क को जल्द से जल्द शुरू करवाना था, साथ ही नौकरियों के लिए
भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू करवाना मुख्य मुद्दा था। तो इस देश के अंदर छात्रों, नौजवानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और तमाम लोगों का गठन किया गया। उसके बाद भगत सिंह ने सोचा कि छात्र तो लड़ाई में आ गए पर जो पढ़ के निकल चुके उनका भी एक संगठन होना चाहिए। सरदार भगत सिंह ने नौजवान सभा के नाम से एक संगठन का निर्माण किया और वो नौजवान सभा आज अखिल भारतीय नौजवान सभा का ये 15वां जिला सम्मेलन है। इसमें आज हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की है, जिसमें भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून बनाने के लिए पूरे देश में हमने एक मुहिम के रूप में चलाने के लिए और गेल इंडिया में स्थायी निवासी लोगों को नौकरी देने और स्पाइस पार्क को शुरू कराने जैसे मुद्दे शामिल है। आज के इस जिला सम्मेलन में शिवराज सिंह रघुवंशी जो हमारे गुना के हैं उनको जिला अध्यक्ष और सुनील कुशवा महासचिव कार्यकारिणी अध्यक्ष, मैं स्वयं मनोहर और बाकी साथियों का उपाध्यक्ष और सचिव का यहां गठन किया गया। इस प्रकार से 15 सदस्यीय कार्यकारिणी आज यहां गठित है। मंदिर माफी की जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को तोड़े जाने के विरोध में आज भार्गव बंधुओं ने दिया धरना। मुकेश भार्गव ने आरोप लगाया है कि यह मंदिर माफी की जमीन है, इस पर हम निर्माण कर रहे हैं। उस निर्माण को SDM और कलेक्टर ने बिना किसी नोटिस के दिए तोड़ दिया, जिसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया और विधायक कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? बताएं क्या है ये मामला? ये मामला जो है जो जमीन जो है जो हमारे पूर्वजों की जमीन है। किस जगह पे आप आसपास रोड देख रहे हैं? जमीन जो देख रहे हैं आप हमारे पूर्वजों की जमीन और हम उसके वंशज हैं। तो हमारा हक ये बनता है कि आप जैसे हमारा परिवार आज से 100 सालों से इस पर जमीन पर रह रहा है और इसके बाद में अब हमारा परिवार हो चुका है बड़ा। अब मंदिर माफे की जमीन है जो है जो पुजारियों के नाम है, पुजारी हमारे दादा परदादा ही थे, उनके नाम पर जमीन थी इनकी पूरी। तो इसके बाद में कलेक्टर साहब ने जो मकान जो आप देख रहे हैं मकान की बिना सूचना बिना जानकारी दी है कलेक्टर साहब ने, SDM साहब ने आदेश दे दिए कि इसको तोड़ा जाए, इसकी कोई लिखित में जानकारी नहीं दी गई, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। वो बिना अनुमति के इसे तोड़ दिया तो उसको लेके हम सब यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने अभी कलेक्टर ने कहा। ज्ञापन किस किस को देना है? पन्ना लाल जी को ज्ञापन देंगे, अध्यक्ष जी को देंगे और कलेक्टर साहब। गाय के बछड़े को मारी टक्कर जिससे बछड़े की हुई मौत। आरोन तहसील में थाने के सामने रोड किनारे खड़े गाय के बछड़े को आरोन भाजपा मंडल अध्यक्ष की गाड़ी ने मारी टक्कर जिसमें बछड़े की मौत हो गई। बता दें कि बछड़ा सड़क किनारे एक घंटे तक तड़पता रहा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। यह गाड़ी आरोन मंडल अध्यक्ष की बताई जा रही है, उनका ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था। पुलिस ने गाड़ी अपने कब्जे में की। आरोन थाने का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। कार गुना तरफ से आ रही थी और सांड सड़क पर खड़ा हुआ था, इसमें टकरा गई है, इससे सांड की मौत हो गई है। मर गया है? हाँ, दीपक शर्मा की रिपोर्ट पर से धारा 279 का अपराध कायम हुआ है। तो किसमें किया अपराध?
अज्ञात आरोपी है ड्राइवर चालक वाहन क्रमांक MP08CA7164 के खिलाफ। गाड़ी का मालिक? गाड़ी के मालिक का पता नहीं है, ना ड्राइवर का पता है, अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। अज्ञात में है ड्राइवर के खिलाफ। गुना कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। चांचौड़ा में SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, महिला बाल विकास एवं जनपद पंचायत चांचौड़ा के सभी विभागों के कुछ अधिकारियों को फटकार लगाई एवं महिला बाल विकास अधिकारी को पंखा सुधारने के लिए 500 रुपए भी दिए। तो आपको डीजल का नहीं पता क्या आए हैं कि नहीं आए? तहसीलदार कौन है यहाँ पे? कलेक्टर राजेश जैन ने पोषण आहार की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। महिला बाल विकास द्वारा 100 बच्चों में से 10 बच्चों की उपस्थिति बताई गई। क्या करेगा बंदूक का? हमारे सहयोगी करण ओझा की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।